अलवेरा से आज ऐसा तेल बना रही हूँ कि कितना भी खराब बाल होगा आपका बाल बिल्कुल सुंदर होने वाला है। कमजोर बाल, पतला बाल, सब झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बाल आपका घना होगा, काले होंगे और जड़ से बिल्कुल मजबूत होंगे, खींचेंगे तो टूटेगा नहीं। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगता है तो ऐसे खींचते हैं तो आपका बाल टूट जाता है। एक दो रूटीन में आता ही है, लेकिन आपका 10, 15, 20, 30, 40 ऐसे बाल यदि तेज़ी से झड़ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है और उस समय बिल्कुल आपको ध्यान देना है। पहला नंबर तो हेल्दी डाइट लेनी है, दूसरा नंबर जो मैं तेल बता रही हूँ ये तेल आपको लगाना है। वैसे वीडियो आप चेक करिएगा मैं कई तरह का तेल बनाई हूँ। आज फ्रेंड्स मैं क्या क्या लेने वाली हूँ वो पहले बता देती हूँ। सबसे पहले मैं नारियल तेल लेंगी जो बालों के लिए बहुत अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग हंसते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अंथोड़ियम पार्लर। आप भी बालों की समस्या से बहुत परेशान होंगे, बाल कहीं आपका झड़ तो नहीं रहा है, बालों में डैंड्रफ तो नहीं हो गया, बालों में बहुत सारा समस्या तो नहीं हो रहा है, समय से पहले कहीं बाल पक तो नहीं रहा। चलिए आज उसी का मैं सलूशन लेके आई हूँ। आपका बाल बिल्कुल नहीं टूटेगा और इस उपाय से आपका बाल बिल्कुल सुंदर रहेगा, बाल में अलग से एक चमक रहेगा। चलिए बालों में हम लगाने के लिए तेल कैसे बना रहे हैं अलवेरा का, चलिए आज हम एक दिन पहले हमने अलवेरा के पत्ते को काट करके छोड़ दिए हैं, कल हो करके पत्ते को इस तरीका से आपको काटना है। अंदर का जो गुद्दा है उसी को निकालना है, ऊपर का छिलका को आपको फेंक देना है। मिक्सी के जार मेरा कि यहाँ पीसा गया है, ये अच्छा सा रस, अलवेरा रस यहाँ तैयार हो गया, इसको जूस भी बोल सकते हैं, अलवेरा जूस। इसको पीने के भी इस्तेमाल में करते हैं लोग। इसको हर दिन यदि गर्म पानी में एक चम्मच पीते हैं तो आपका बहुत सारा बीमारी ठीक हो जाता है। चलिए इसका तेल हम कैसे बना रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि हमने जब पीसे हैं तो इस समय देखिएगा फैन जैसा पूरा उजला होता है, कटोरी थोड़ा सा में ही भर जाता है, लेकिन डेढ़ कटोरी हमें लेना है अलवेरा रस। ये हमारे बालों को घना, लंबा, सिल्की, सुंदर, मुलायम बना देता है सॉफ्ट। अलवेरा से हम तेल जो बना रहे हैं इसमें कोकोनट ऑयल ही लेना है, यहाँ पे आपको दूसरा तेल बिल्कुल नहीं लेना है, जो हमारे बालों को बहुत घना, सुंदर, काला बनाता है। साउथ में देखते होंगे कि उन लोग का बाल काफ़ी समय तक एकदम काला, घना, लंबा, चमकदार रहता है, उसका एक कारण यही होता है नारियल तेल, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स हमने एक कढ़ाई को गर्म किया है, कढ़ाई में सबसे पहले हम 200 ग्राम नारियल तेल डाले हैं और हम उसके बाद अलवेरा ले रहे हैं। अलवेरा मैंने डेढ़ कटोरी ली हूँ, आप भी आइडिया से लीजिएगा। तो इस तरह से अलवेरा का तेल आप बनाते हैं तो आपका भी बाल बिल्कुल लंबा और जड़ से मजबूत होगा, एक भी बाल टूटेगा नहीं, झड़ेगा नहीं। तो यहाँ जब हम तेल बना रहे हैं अलवेरा का तो इस समय शुरू में आपको गैस का फ्लेम तेज़ करनी है, जैसे ही खोल गया है तो इस समय स्लो फ्लेम कर देनी है, क्योंकि यदि तेज़ फ्लेम में आप यदि बनाते हैं तो आपका जो विटामिन्स है वो सब नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, इसलिए आपको स्लो फ्लेम करके ही ये तेल तैयार करना है। भले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन हाँ तेल जो बन जाएगा तो जी हाँ ऐसा बनेगा, ऐसा कमाल फ़ायदा करेगा, आप लोग देखते रह जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, बाल की जो चमक आएगी, बालों का स्पेशली जब लंबाई होगा, बालों जब झड़ना बंद हो जाएगा, काला हो जाएगा, घना हो जाएगा, आप भी चौंक जाएंगे रिजल्ट देख करके। चौंक आने वाला ही रिजल्ट सामने आने वाला है, कलर देख रहे हैं जैसे जैसे पक रहा है, टाइम लगा यहाँ हो गया है, कम से कम इसमें 20 मिनट हमें टाइम लगा था, अब हमने ठंडा कर दिया है। ठंडा करने के बाद इसको छन्नी के सहायता से आपको छान लेना है तेल को। इसके बाद इसमें विटामिन ई का कम से कम, यहाँ देखिए उतना तेल मैंने डाली थी और तैयार कितना हुआ है, हाफ़ कटोरी, हाफ़ कटोरी में आपको 3-4 विटामिन ई की कैप्सूल डालनी है। विटामिन ई हमारे बालों को सुंदर बनाता, हेल्दी करता और हमारे बालों को टूटने झड़ने से बचाता है।
तो यहाँ देख रहे हैं सुई के सहायता से हमने विटामिन ई को फोड़ा है और उसके अंदर से ऑयल निकल रहा है। वो ऑयल हमको तेल में डालना है। हमने यहाँ 3-4 टैबलेट इसमें डाले हैं, आप भी डालिएगा। विटामिन ई हमारे बाल को बहुत सुंदर बनाती है, चमक बढ़ाती है और 10 गुना बालों को बढ़ाने में हेल्प करती है। बालों में ये तेल अच्छा सा एक कंडीशनर जैसा करेगा, सॉफ्ट मुलायम सुंदर बना देगा ये तेल। इसके बाद इस तेल को रात में लगाइएगा। सप्ताह में वीक में आपको 3 दिन कम से कम लगाना है, बालों में मसाज करते हुए, बाल के जड़ों में मसाज करते हुए तेल को रूट में लगाना है, बाल के जड़ों में ही लगाना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमने विटामिन ई की कैप्सूल डाल दिए हैं। आप अच्छे से इसको मिलाइए और डब्बा में भर के रख लीजिए। आप चाहें तो 3 महीना के लिए बना सकते हैं, चाहें तो 1 महीना के लिए बना सकते हैं, चाहें तो 6 महीना के लिए। ये ख़राब होने वाला तेल नहीं है और ये इतना अमेजिंग रिजल्ट देगा, आप लोग भी चौंक जाएंगे। इस तेल को आप चेहरा में भी रात में सोने समय लगा सकते हैं, काफ़ी ग्लोइंग चेहरा हो जाएगा। और हाथ पैर में भी लगा सकते हैं, वो भी आपका हाथ पैर सुंदर हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। और बाल के जड़ों में आप लगाएंगे तो बाल इस तरह से लंबा घना और खूबसूरत हो जाएगा। बालों को आप जब सफाई करते हैं रात में लगाइएगा, सुबह में जब बाल धोइएगा तो इस तरह से हल्के हाथों से पोंछना है। ऐसा नहीं कि उसमें आपको उलझाना नहीं है, बाल जब उलझता है ज़्यादा तो टूटने लगता है। तो इस तरह से हल्के हाथों से करके बालों को छोड़ देना है। और रात में सोने समय हाथ पैर में लगाते हैं, सब दिन लगाइए, 365 दिन हाथ पैर चमक जाएगा, सुंदर रहेगा, कभी नहीं फटेगा। गर्मी भी है तब भी हल्का सा लगा लीजिएगा, क्योंकि गर्मी में लोग तेल कम लगाते हैं वो भी, पर हल्का सा रात में लगाएंगे तो, क्योंकि एलोवेरा होने के कारण आपका स्किन सुंदर बनाएगा, झुर्रियाँ हाथों पैर में नहीं आने देगा। भी अच्छा आप कलर लेते हैं, उसमें केमिकल होता ही है जो कि हमारे बालों को, स्कैल्प जो होता है जड़ों को लूज कर देता है और वहाँ से बाल निकलने लगता है। पर हम जब एलोवेरा रस बालों में अप्लाई करते हैं तो हमारा स्किन को टाइट बनाता है, जो कि बालों का झड़ना वहीं पे धीरे 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 रुक जाता है। एलोवेरा हमारे बालों को बहुत सुंदर बनाता है, घना बनाता है, काला बनाता है और अच्छे से एक कंडीशनर भी हमारे बालों को देता है। प्लीज़ आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नई नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और एलोवेरा का ये तेल बना करके लगाइएगा, आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और डायरेक्ट एलोवेरा का रस भी आप लगाते हैं तब भी वो बहुत फ़ायदा देता है, बालों को बहुत सुंदर बनाती है।